गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं उनके बेनिफिट्स पढ़े थे और कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे क्रिएट किया जाता है इस बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है इसमें कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क के लिए क्या क्या हार्डवेयर का यूज़ किया जाता है और नेटवर्क के टाइप्स भी पढ़ेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट तो आज हम पढ़ेंगे कि जो नेटवर्क होता है उसे क्रिएट करने के लिए किस किस हार्डवेयर की जरूरत होती है ठीक है तो फिज़िकल कंपोनेंट्स दैट आर यूज टू क्रिएट अ नेटवर्क आर कॉल्ड द पार्ट्स ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर जो फिज़िकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो so, स्टूडेंट ऐसे कंपोनेंट्स जिन्हें हम छू सकते हैं देख सकते हैं और छू सकते हैं वो कहलाते हैं फिजिकल कंपोनेंट किसी भी चीज़ को अगर आप देख और छू सकते हैं तो वो कहलाते हैं physical, वो फिजिकल कोई भी फ़िज़िकल पार्ट कहलाता है तो ऐसे फिजिकल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ठीक है ऑल कंप्यूटर्स नेटवर्क नीड्स एटलीस्ट द फॉलोइंग नेटवर्क हार्डवेयर ठीक है तो कुछ किसी भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क को क्रिएट करना है तो यहाँ पर जो जो कुछ हार्डवेयर बताए गए हैं ये ज़रूरी जरु, ही होते हैं जैसे कंप्यूटर हुआ केबल्स हुआ कनेक्टर हुआ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी हुआ इन सारी चीज़ों की जरूरत नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए होती है फर्स्ट पढ़ते हैं हम कंप्यूटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ नेटवर्क इज़ टू लिंक कंप्यूटर टुगेदर यूजर्स कैन वर्क एफिशियटली वेन कंप्यूटर्स आर लिंक्ड तो कंप्यूटर uh, uh, कोई भी नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है जब किसी कम, दो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट किया जाए किसी भी लिंक के द्वारा किसी भी एक मीडियम के द्वारा उसको जब दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे तभी तो वहाँ पर नेटवर्क क्रिएट होगा और तभी उस नेटवर्क पर जो यूज़र होते हैं वो आपस में इफ़िशेंटली उस पर वर्क कर सकते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क टू बी ऑफ सेम टाइप मैनी नेटवर्क कंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एज मैकबुक एयर इंडिया एंड एच पी पेविलियन तो अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता कि अगर आप कोई भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर सेम कंप्यूटर की या सेम सिस्टम की आ, सेम सिस्टम ही लगेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है आप अलग अलग सिस्टम से या अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर को भी से भी नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं जैसे यहाँ एग्जांपल दिया कि जैसे मैकबुक है एक तरफ अगर मैकबुक को कनेक्ट किया गया है और दूसरी तरफ एच पी पेविलियन के कंप्यूटर को वहाँ पर कनेक्ट किया गया तो वो भी एक नेटवर्क के अंदर ही आता है उसमें भी नेटवर्क क्रिएट हो जाता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पर सेम अगर कोई एक ही नेटवर्क पे कोई बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उन सारे लोगों का सिस्टम में हो, या कंप्यूटर है वो सेम टाइप का हो ऐसा जरूरी नहीं है नेक्स्ट है केबल दीज आर द वायर्स दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड रिसोर्स ऑन अ नेटवर्क डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज ऑफ द नेटवर्क अब देखो यहाँ पर सेकेंड चीज़ क्या चाहिए हमें नेटवर्क क्रिएट करने के लिए वो है केबल किसी भी चीज़ को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई मीडियम तो चाहिए तो यहाँ पर केबल वो मीडियम है जिससे वो नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है <coughs> तो ये यह अब यहाँ पर केबल जो होती है वो अलग अलग टाइप की यूज़ होती हैं ठीक है लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो हम नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं वो उसका साइज़ क्या है यानी कि वो नेटवर्क छोटा बना रहे हैं या बड़ा या बड़े नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं ठीक है किस टाइप का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर केबल्स का यूज़ किया जाता है द स्पीड ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर डिपेंड ऑन द डिपेंड्स ऑफ द टाइप ऑन केबल फॉर सम नेटवर्क सेवरल माइल्स ऑफ केबल्स में वी यूज देखो हम जो डेटा जो ट्रांसफ़र करते हैं ना उसकी जो स्पीड होती है ट्रांसफर स्पीड होती है ठीक है तो वो केबल पर डिपेंड करती है जो केबल की क्वालिटी होगी जिस क्वालिटी की केबल होगी उस पर डिपेंड करती है अब केबल्स चूँकि देखो कई सारे किलोमीटर या कई लंबी दूरी की जो नेटवर्क होते हैं उनमें यूज़ किया जाती है तो आपने देखा होगा कि अगर नेटवर्क में जो इंटरनेट के लिए जो केबल्स का के यूज़ किया जाता है फाइबर केबल्स का के यूज़ किया जाता है जिससे कि डेटा बहुत ही स्पीड में ट्रांसफ़र होता है ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी यानी कि कितने कितना बड़ा नेटवर्क या कितना छोटा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही केबल्स का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट है आपका कनेक्टर्स टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस कॉल्ड कनेक्टर अब देखो अगर आप किसी भी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो यानी कि एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कनेक्टर्स की ज़रूरत होगी ये कनेक्टर्स आपस में कनेक्ट होकर ही वो नेटवर्क को कंप्लीट करते हैं अगर कनेक्टर्स नहीं होंगे तो आपका नेटवर्क कंप्लीट कैसे होगा क्योंकि अलग अलग अब ऐसा तो है ना ये कि एक ही वायर को यहाँ एक सिस्टम में जोड़ दिया और दूसरे वायर को दूसरे सिस्टम में परमानेंट कनेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिनको आपस में कनेक्ट करना होता है ठीक है तो यहाँ पर कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है नेक्स्ट है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एन आई सी अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एन आई सी इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू जॉइन केबल टू अ कंप्यूटर जनरली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर इंस्टॉल्ड इन साइड अ कंप्यूटर द एज ऑफ द कार्ड इज़ प्रजेंट ऑन द बैक ऑफ अ कंप्यूटर अ एन आई सी हेज़ अ पॉड वेयर नेटवर्क केबल प्लग इन अगर आपने अपना सी पी यू देखा होगा तो सी पी यू के जो बैक साइड होती है पीछे साइड होता है उसमें काफ़ी सारे पोर्ट होते हैं ठीक है जिनमें आप अपने केबल्स को कनेक्ट करते हैं चाहे वो आप हार्डवेयर कनेक्ट कर रहे हैं जैसे सी पी यू अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं सॉरी अगर आप अपना कीबोर्ड हुआ माउस हुआ या कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हैं या अपनी केबल जिससे कि आप नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं ठीक है वो कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक पोर्ट दिया होता है पीछे जो पोर्ट होता है वो किससे कनेक्ट रहता है वो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ठीक है वो जो पोर्ट होता है वो उसी कार्ड में इनबिल्ट होता है ठीक है तो ये इसकी ये एन होता है इसकी भी ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है नेटवर्क को क्रिएट करने में अब हम देखते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जनरली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फॉलिंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर यूज ठीक है तो यहाँ पर नेटवर्क के कई सारे टाइप होते हैं जो आपको आगे बताए गए हैं ठीक है जिसमें से फर्स्ट है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन ठीक है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क को बोलते हैं शॉर्ट में पैन ठीक है इसका शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन एमंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स इन अनलिमिटेड क्लोज प्रॉक्सिमिटी ठीक है तो देखो अगर आपको कोई छोटा एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है तो यहाँ पर आप पैन का यूज़ कर सकते हैं ठीक है यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क ठीक है मान लो अगर आपको एक ही कमरे में आपको एक फ़ोन दो फ़ोन या दो तीन फ़ोन जितने भी आपको फ़ोन या कोई भी सिस्टम या कंप्यूटर कनेक्ट करना होता है सिर्फ मान लो एक ही कमरे में ठीक है तो वहाँ पर आप इस पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करते हैं क्योंकि इसकी जो रेंज होती है बहुत ही शॉर्ट होती है बहुत ही छोटी रेंज होती है कम दूरी के लिए होता है ये द रेंज ऑफ पेन इज़ टिपिकली अ फ्यू मीटर्स पेन कैन भी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमॉग द डिवाइज और फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट ठीक है तो अब इसकी जो रेंज होती है जो मेनली uh, हो सकती है कुछ मीटर्स के लिए हो दो मीटर पाँच मीटर दस मीटर ठीक है सिर्फ मीटर्स में होती है इससे ज़्यादा दूरी इसकी नहीं होती है और जो स्पेशली यूज़ किस लिए किया जाता है आपस में कम्युनिकेशन ये कोई डिवाइसेस को, को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यानी कि उसको एक्सेस करने के लिए ठीक है उस पर वर्क करने के लिए ठीक है तो एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है इट कैन यूज़ वायरलेस कनेक्शन और अब देखो यहाँ पर एक वायरलेस कनेक्शन का यूज़ किया जाता है ठीक है अगर इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो एक जैसे आपका हॉटस्पॉट और वाईफाई का जो यूज़ होता है जो एक नेटवर्क क्रिएट होता है ठीक है जिसकी दूरी कुछ दूरी कुछ मीटर्स की ही होती है सेकेंड uh, एग्जाम्पल आप ब्लूटूथ का ले सकते हैं ठीक है वो भी एक नेटवर्क होता है ठीक है जिसकी रेंज कुछ मीटर्स होती है ठीक है तो ये कुछ शॉर्ट uh, जो रेंज होती है उसके लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है सेकेंड है आपका लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन ठीक है इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क अ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस लोकेटेड टू क्लोज टू वन अनोदर सचेज इन वन ऑफिस यूजली लोकल एरिया नेटवर्क हैज़ नो मोर देन हंड्रेड कंप्यूटर्स देखो अभी हमने जैसे पेन पढ़ा था पेन एक छोटे से कमरे में एक शॉर्ट रेंज के लिए होता है अब यहाँ पर रेंज बढ़ गई है तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कंप्यूटर्स की नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स भी बढ़ जाते हैं और उनकी रेंज भी बढ़ जाती है ठीक है तो अब कुछ मीटर्स से लेकर कई मीटर्स तक हो जाता है ठीक है अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है इसका यूज़ जैसे अगर मान लीजिए एक कोई ऑफिस है ऑफिस में कई सारे चैम्बर या कमरे वगैरह हैं ठीक है तो उस एक पूरा पर्टिकुलर ऑफिस के लिए वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं <laughs> जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया है एक डायग्राम में एक मेन कंप्यूटर है उससे कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं उससे फिर और सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं ठीक है थीके? लेकिन यहाँ पर इन कंप्यूटर्स की जो रेंज होती है जैसे सौ कंप्यूटर कंप्यूटर हैं ठीक है थीके? उस मतलब कम से कम सौ कंप्यूटर को वहाँ पर आपस में कनेक्ट किया जा सकता है और उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है सॉरी यहाँ पर सौ कंप्यूटर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया जा सकता एक उन्होंने रेंज दे दी एक लिमिटेड रेंज दी है कि आप सौ कंप्यूटर से ज़्यादा कनेक्शन नहीं ले सकते ठीक है जैसे उन्होंने एक आइडिया के लिए दिया है ठीक है थर्ड है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क यानी कि कैन इट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड बाय इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर मोर लोकल एरिया नेटवर्क लेंस विथ अ लिमिटेड रेंज अ कैंपस एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे हम एक ही कमरे में एक छोटी सी रेंज के लिए यूज़ करते हैं ठीक है अगर हम ऐसे कई सारे पर्सनल एरिया नेटवर्क को आपस में क्रिएट कर दें कई सारे नेटवर्क बना लें पर्सनल एरिया नेटवर्क और वो जो हमने नेटवर्क क्रिएट किए हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर दें तो यहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है ठीक है <coughs> ठीक है तो कई सारे जो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं लेकिन एक लिमिटेड रेंज में ठीक है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया ठीक है इसका जो साइज़ है वो लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होगा लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम आगे पढ़ेंगे ठीक है उससे छोटा रहता है तो यहाँ पर दिया है कि एक मेन कंप्यूटर है यहाँ पर तीन मेन कंप्यूटर दिए हैं ठीक है थीके? और एक मेन कंप्यूटर से एक पर्सन एक लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है ठीक है तो इन तीनों से अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क होने जिन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पास इससे कैंपस एरिया नेटवर्क का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है आपका नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है ठीक है तो हमने यहाँ पढ़ा था जैसे लेन पढ़ा था हमने ठीक है तो इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हेल्प्स इन कनेक्टिंग कंप्यूटर्स लोकेटेड इन सेम ग्राफ जियोग्राफिकल एरिया सच है सिटी और टाउन ठीक है अब जैसे हमने यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्स लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा था उस उसमें हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर जो ऑफिस है एक बड़ी रेंज का मतलब आ, कुछ आ, कई मीटर्स में उस नेटवर्क को क्रिएट किया जाता था ठीक है तो एक ऑफिस एक बड़े ऑफिस में वहाँ पर उसका फॉर्मेशन किया जा किया जाता था तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करेंगे उन और उन कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो हमें मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मिल जाएगा ठीक है तो इसका यूज़ कहाँ होता है इसका यूज़ एक सिटी के अंदर हो सकता है ठीक है एक सिटी में कए, कई किलोमीटर्स की रेंज में हो सकता है जैसे जहाँ पर डायग्राम में दिया है कि एक मेन बिल्डिंग है ठीक है जो सेंट्रल ऑफिस है ठीक है उससे एक तो किलोमीटर की दूरी पर एक उनकी एक रीजनल ब्रांच ऑफिस है ठीक है।, है वो भी कनेक्ट है फिर दस किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री है वो भी कनेक्ट है बीस किलोमीटर की दूरी पर एक वेयर हाउस है वो भी कनेक्ट है ठीक है तो इन किलोमीटर्स की रेंज में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को क्रिएट किया गया है ठीक है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हेल्प इन कनेक्टिंग कंप्यूटर लोकेटेड इन सेम जियोग्राफिकल एरिया सच्चे सिटी और टाउन ठीक है तो एक ही सेम जियोग्राफिकल मतलब होता है वहाँ पर कि एक ही सिटी में ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में उसको यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? तो एक सिटी के अंदर मतलब कि ज़्यादा दूर नहीं ठीक है यह भी हो सकता है कि एक सिटी और दूसरी सिटी अगर पास पास में उनका नेटवर्क हो रहा है तो वहाँ पर भी इसको क्रिएट किया जा सकता है नेक्स्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि डब्ल्यू एन वैन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एंड मेट्रोपोलिटन एरिया मेट्रोपोलिटन नेटवर्क टुगेदर द नेटवर्क दैट मेक अप वाइड एरिया नेटवर्क मे बी लोकेटेड थ्रू आउट कंट्री और इवन अराउंड वर्ल्ड ठीक है अब देखो हमने यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा था और मेट्रोपोलिटन एरिया पढ़ा था ठीक है तो जो वैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ठीक है तो आप ऐसा देखो देखो एक हब होता है ठीक है यानी एक सेंटर जैसे जहाँ पर एक डायग्राम दिया है ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क का ठीक है यहाँ पर सेंटर में एक हब है ठीक है जिससे कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं ठीक है थीके? तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड लेवल पर भी होता है ठीक है ये छोटे लेवल पर देखें तो आप एक कंट्री लेवल पर भी हो सकता है ठीक है तो कहने का मतलब है कि ये सब में पूरे उसमें स्प्रेड रहता है यानी कि फैला हुआ होता है ये नेटवर्क ठीक है जैसे इंटरनेट इंटरनेट का जो मेन हेडकोर्टर है वो अमेरिका में है ठीक है लेकिन उससे सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं है ना तो ये किसका एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क का वेन आ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ऑन्स एंड कंट्रोल्स ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज एन एंटरप्राइज नेटवर्क ठीक है अगर कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस पूरे वाइड एरिया नेटवर्क को कंट्रोल करती है ठीक है तो उसे एंटरप्राइज नेटवर्क कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आपका कि नेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उनकी उनका नेचर कैसा होता है सॉरी याद यहाँ परमानेंट नेटवर्क जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशन यूज़ अ परमानेंट नेटवर्क टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन इन परमानेंट नेटवर्क केबल्स आर यूज टू कनेक्ट कम्प्यूटर्स टुगेदर इन अ परमानेंट नेटवर्क कम्प्यूटर्स एंड केबल्स टे कनेक्टेड एंड इन प्लेस एट ऑल टाइम देखो परमानेंट नेटवर्क से क्या मतलब है यानी कि अगर हमने कोई एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया है ठीक है तो अब उससे हम कई मतलब हमेशा के लिए सब नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया है अब उसको हटाएंगे नहीं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ठीक तो है तो अधिकतर जितनी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो यूज़ क्या करती हैं परमानेंट नेटवर्क यानी कि एक बार नेटवर्क क्रिएट कर लिया एक बार उसको बना लिया आ, अपने काम के लिए यानी कि काम में क्या सकता है जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करना है ठीक है या कोई डेटा का डेटा पर काम करना है या किसी चीज़ को एक्सेस करना है किसी डेटा को ठीक है तो उन्होंने एक परमानेंट नेटवर्क क्रिएट कर लिया ठीक है अब जो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जिन केबल्स का यूज़ किया गया था उनको परमानेंट ही कनेक्ट किया गया है ऐसा नहीं है कि उनको बार बार एक बार यूज़ कर लिया फिर निकाल लिया फिर इसको जब यूज़ करना हो तब फिर दोबारा कनेक्ट कर दिया फिर उसको फिर निकाल लिया ठीक है तो इसको परमानेंटली एक ही जगह पर कनेक्ट करके कर रखते हैं नेक्स्ट है आपका टेम्प्ररी नेटवर्क टेम्प्ररी नेटवर्क क्या होता है इट इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ क्रिएटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and then disconnected. The most common type of temporary network occurs when an employee connects a computer at his/her home to a computer at network in the office using a modem. ठीक है जो temporary network होता है उसमें क्या होता है temporary का मतलब होता है एक short time के लिए या कुछ समय के लिए तो यहाँ पर जो network create किया जाता है उस पर वो एक short period के लिए create किया गया है ठीक है और उसके बाद उसको डिसकनेक्ट यानी कि उसको हटा दिया जा हटा दिया जाता, जाता है उसको डिसकनेक्ट कर दिया जाता है यानी कि अपना काम हो गया उसके बाद उस नेटवर्क को उन्होंने हटा दिया ठीक है तो जैसे अगर आपने देखा होगा कोई एम्प्लॉ अगर अपने घर पर है ठीक है तो वो अपने ऑफिस के नेटवर्क से खुद को कनेक्ट करता है ठीक है कुछ टाइम के लिए ठीक है और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उस जो नेटवर्क है उसको वो डिसकनेक्ट दिस, कर देता है ठीक है तो ये टेम्पोरी नेटवर्क का एग्ज़ाम्पल होता है ठीक है तो आज हमने नेटवर्क की नेचर पढ़ा नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ा नेक्स्ट क्लास में हम नेटवर्क uh, uh, जो टोपोलॉजी होती है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू